नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया, नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर अब केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर का ऐतिहासिक बापू भवन टाउन हॉल में बेरिया के क्रांतिकारी विधायक सुरेंद्र सिंह व भाजपा जिला विनोद शंकर दुबे के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीरज शेखर का प्रथम बार जोरदार स्वागत बुधवार को जनपद में जगह जगह हुआ। अपना एक पर्चे बताइए। पर्चे भाई प्रधान हरीश भाई जी, आज नीरज शेखर जी को आज भव्य आपके द्वारा स्वागत की गई है, और कैसा लग रहा है आपको जिस राज्यसभा सांसद चुने गए? ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बगीचे में बहुत बड़ा एक है, बहुत बड़ा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा हम लोग लग रहा है। क्या आपको ये भी लगता है आने वाले विस्तार में गो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? सही में सही परसेंट उम्मीद है, और भारत सरकार मोदी सरकार को ये बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे बढ़िया के लिए ऐसे महापुरुष के सुपुत्र है कि जिनके मंत्रिमंडल में जो केंद्र में मंत्रिमंडल बनाने से पूरे बलिया का नहीं पूरे पूर्वांचल का बहुत अच्छा मतलब विकास होगा और विस्तार होगा। पर्चे बता दीजिए। मुंडा राय प्रधान इंद्रपुर प्रधान हनुमान। हाँ जी, देखें भव्य स्वागत था कि नीरज शेखर जी का, आपको ये कैसा है आपको थोड़ा बताइए। गौरी भैया की धरती पर माननीय नीरज शेखर जी का जो है ऐतिहासिक स्वागत हुआ जी। तो क्या आपको उम्मीदें हैं जैसे भाजपा ने ज्वाइन किए, जैसे राज्यसभा सांसद उनको बनाया गया, आने वाले भविष्य में उनको मंत्री भी बनाया जाएगा, क्या आपको लगता है? नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा माननीय नीरज शेखर जी को मंत्री जो है मोदी सरकार में बनाया जाएगा और बलिया का भविष्य जो है उज्ज्वल होगा। राज्यसभा से निर्वाचित होने के बाद पहली बार बलिया आने का मौका मिला, जो सुबह 8 बजे से हम लोग से चल रहे हैं, यहाँ हम लोग 2 बजे पहुँचा तो हम लोग 4:30 बजे 5 बजे पहुँचे, और लगातार लोगों का पूरे रास्ते स्वागत अभिनंदन स्वीकार करते हुए आज आप लोग के माध्यम से मैं सभी लोगों का यात्रा को कहना चाहता हूँ। विशेषकर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्राध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इतनी जल्दी फिर से राज्यसभा से सांसद जी, अभी आपने कहा कि जो विदेश घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, 370 धारा में उसका बहुत अहम योगदान रहा है, क्या आपको लगता है कि यही विदेश नीति पीओके में भी काम करेगी? क्या आपको लगता है कि पीओके हमारा होगा? वही कहा मन से, आप बताइए कि कौन सा राष्ट्र हमारा विरोध कर रहा है 370 हटाने का? सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपस में वार्ता करके लोग अगर कुछ मतलब है तो हटाएंगे। अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है। हम लोग जीवन भर ही कहते हैं कि अभिन्न अंग है, लेकिन अब ये हो गया। और पीओके भी हम लोग का इस जो 370 में सबने बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा और गृहमंत्री जी ने कहा कि पीओके भी शामिल है। पीओके हम लोगों का है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो हम लोगों का है और आने वाले समय में उसको भी हम लोग अपने पास करेंगे। सबसे जिस तरीके देखा जाए, आप अगर जिस समय सपा में थे उसमें आप खुले मंचों से बयान देते थे कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक सांसद बड़े बोलेपन हैं और सबसे ज़्यादा विवादित बयान देते हैं। अभी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो बताई है कि जो भाजपा के नेता मर रहे हैं विरोधी जो आप विरोधी मेरे से पूछ रहे हैं वो मैं बतावा दूंगा। प्रज्ञा जी का प्रज्ञा जी से पूछेगा। मैं कहना चाहता हूं, मैंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूं कि जो जन समर्थन पूरे देश ने दिया है उसको हम लोग नकार नहीं सकते। मैं भी विपक्ष में था, मैं भी खिलाफ बोलता था, लेकिन 2014 में 282 मिला तो हम लोग ने कहा कि मोदी जी आए हैं, नए आए हैं, उनको सब लोग देखना चाहते हैं। लेकिन 2019 में 303 सीट मिल जाए तो हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि दोष लोग देश के लोगों ने निर्णय दे दिया है।